तो मुस्लिम से ही वोट लें, फिर हम तो नहीं वोट देंगे। हम जे कह रहे वोट ले रहे कोई आगो, हम वोट तो देंगे ना, चप्पल जूतन की माला बना के रखेंगे, वोट आरेंगे। हमें तो याद आती है सब लोगों को, और खाना में वैसे तो याद आती नहीं है किसी को, हम तो न देंगे किसी को वोट। रोज गिरती है जो लड़की, कसम खा रखी है रोज गिरूंगी, रोज गिरती है जो, देखियो क्या कीचड़ है रही है। हम नहीं वोट देंगे भैया, तो जो सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे। इलाज क्या है, सड़क बन, सड़क बनवाओ, वोट देंगे। पाँच दिन में कैसे सड़क बन जाएगी? हम भरोसा कर रहे हैं, आदमी धोखा कर रहे हैं, हमारे संगठन में धोखा चू कर रहे हैं आदमी। टूटी हुई सड़कें और ना नाली बनी है, और हम जाते जाते हमारी महिलाएं सब पब्लिक पूरी गर्मियों में जाते जाते परेशान होकर के थक गए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे करके हमको गुमराह कर दिया। लेकिन कहते हैं कि गरीबों को साथी लगा भाइयों, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे, टूट जाए ना माला प्रेम की, वरना ये मोती बिखर जाएंगे। वाह क्या बात है, टूट जाए ना माला ये प्रेम की, मोती बिखर जाएंगे, इसका मतलब मतदाता से है, इससे आप नाराज होकर कहीं और वोट डाल लें। नाराज होकर के कहीं ना कहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, कौन से दरवाजे पे? नीले आसमान के नीचे जाएंगे या लाल कलर की ओर? जो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, या तिरंगे की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे बता दीजिए। और जाने को जो ये है कि जो हमसे मिलेगा और हमारी जगह दुख दर्द को दूर करेगा, हम उसके साथ हैं। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और चुनावी चकल्लस को देखते हुए मैं आपको ये आपको दुर्गम रास्तों से होकर यहां से लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं, जो देर दूर दराज से आते हैं रात्रि में यात्राओं से, जब घर पहुंचते हैं तो पहले उसको इस गंदगी सड़ांध और टूटी सड़कों से मुकाबला करके सुरक्षित घर कैसे पहुँचे, ये मन में चिंता और भाव बना रहता है। हम इसी कड़ी में यहाँ पर आए हैं, न्यू राजेंद्र नगर की तरफ आए हैं, और मुझे एक शायर की एक पंक्ति याद आ रही है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की दिल को हसरत तो है, लेकिन आने जाने में किराया बहुत लगता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ के मौजूद लोग हैं, महिलाएँ हैं, और बड़ी बात यह है कि देश की आधी आबादी हमारे साथ में खड़ी हुई है, जिसके साथ महिलाएँ हैं वो समझ लीजिए निरंतर आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक सक्सेस व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ रहता है, जैसा कि हम सुनते आए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या शर्मा है जी। और मनोज जी आपको क्या बताएं कि बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। अरे क्या बात है, काउंटर कर दिया आपने, निकला बेगाना जिसे जान अपना। वाह, बीजेपी को हमने अपना जाना वोट दिया, हमने सोचा कि हमारी गली का भी थोड़ा सा निर्माण होगा, लेकिन आज तक उन्होंने कभी झांक के नहीं देखा कि इस गली में हो क्या रहा है, जबकि हमारी कंप्लेंट एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार उनके पास पहुंची है। संजीव राजा के हमने चप्पलें घिस दी, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी कोई फरमाइश नहीं सुनी। मैडम संजीव राजा जी है कौन, कुछ नाम सुना हुआ लगता है? अरे सर विधायक जी हैं, आप जानते हैं, आप अच्छे विधायक हैं, शहर के ही हैं, अलीगढ़ के ही, अलीगढ़ के विधायक हैं। तो बात करी मैडम, आप शायराना अंदाज में बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि आप यकीनन शायरी और गीत संगीत से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में एक मैडम है साथ में जी। मैडम क्या नाम है? मंगलेश कुमारी। मैडम थोड़ा बहुत जोर से बोल, जोर से बोले, पीछे जाने को नहीं कर। मंगलेश कुमारी। मंगलेश जी, तो आपकी क्या समस्या है मैडम इस सड़क टूटने से? बस ये सड़क टूटने से रोजाना आए दिन गिरते हैं, रोजाना हादसे होते हैं, बीमारी फैलती है, गंदगी बहुत ज्यादा है, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, हम लोग निकल नहीं सकते हैं, यहाँ गलियों में देखते हैं आप सुअर घूमते हैं दुनिया भर के, बहुत परेशानी है। पाँच जी, और दस को है इलेक्शन जी, तो आपको आज ही याद क्यों आई, पहले क्यों नहीं याद आई? सर हम तीन बार नगर विधायक संजीव राजा के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि बन जाएगी, मगर नहीं बनी। नगर निगम में कंप्लेंट की तीन चार बार, नगर निगम के एक अधिकारी हैं उनसे बात भी हुई, वो भी यही कहते रहे कि बन जाएगी, मगर आज तक नहीं बनी। फिर उन्होंने लास्ट ये कह दिया कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है जी। मतलब चुनाव के लिए गलियों में घूमने के लिए काफी स्कीमें हैं, और जब निर्माण का समय आएगा तो बजट नहीं है। हमारे साथ में एक मैडम और खड़ी हुई है, मैडम आगे आ जाइए। उम्मीद नहीं है इस चीज की, जब तक हमारा काम नहीं होता, हम आश्वासन से कम 6 महीने से ज्यादा जूझ रह चुके, इसलिए आप रोष में हैं जी। तो इस बार वोट देखिए, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, और सड़क भी बन गई आपकी, और नहीं बनी तो बन जाएगी, सरकार बना दीजिए, उम्मीद वोट डालिए, जम के वोट डालिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, बहुत दिन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर किसी ने नहीं सुना हमारा। अरे मैडम
मैडम मैडम, इस बार हम बीजेपी को वोट जब देंगे हमारी सड़क का निर्माण हो जाए। पाँच दिन में कैसे निर्माण होगा? और पाँच दिन में नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, वोट ही नहीं देंगे। अरे ऐसा कैसे होगा, आपका मौलिक अधिकार है वोट देना। नहीं, मौलिक अधिकार है, मगर नेताओं को अपने भले के लिए पब्लिक भेजती है, और पब्लिक की जब वो सुनते नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। बड़ी क्रांतिकारी मैडम मालूम पड़ती है चुनाव के बहिष्कार में। और बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से। जी मैडम, क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। ममता शर्मा जी, सड़क वड़क तो बहुत अच्छी बनी हुई है, और दूर जगह तो सड़क भी नहीं बनी हुई, लोग कच्चे रास्ते से घर जाते हैं, फिर भी अच्छी बनी हुई है। देखना सारी तो कीचड़ भर रही है, सारी टूटी हुई है। मैडम सड़क बनेगी, कीचड़ आएगी, नालियों में पानी चलेगा तो साफ भी हो जाएगा, इतना नाराज होने की क्या बात है? निकलने को रास्ते नहीं है, बच्चे गिरते हैं कीचड़ में। नहीं तो चुनाव 10 तारीख को और आज ही याद क्यों आ रही है आपको? आज नहीं आ रही, कई बार तीन बार तो संजीव राजा भाई साहब के पास पहुंच चुके हम लोग दोपहर में जा जाके, वो यही कह देते हैं कि बनेगी बनेगी बनेगी, 2 साल हो गए। नहीं तो वो उनपे जो बजट आता है उन्होंने वो मुस्लिम आबादी में लगा दिया होगा। तो मुस्लिम से वोट लें फिर, हम तो नहीं वोट देंगे, और क्या हम किससे कहने जाएंगे। जी मैडम, हम लोग सब जाते कई बार गए वहाँ पे, हम अपनी समस्या बताते हैं, वो सुनते भी नहीं है। और का नाम, हम गए से दोपहर में गए, गर्मी के दिन में गए। अरे मैडम आप गर्मी में क्यों गई थी? सब एसी में सोते हैं और आप गर्मी में नींद खराब। हम लोगों को बहुत परेशानी है, यहाँ की रोड बहुत खराब है, हमारे बच्चे गिरते हैं, शुगर भी फिरते हैं, गाड़ी गिर जाती है, हमारे यहाँ बहुत हम परेशान है, यहाँ पे गड्ढे में हम पड़े हैं। ये तो सोचना चाहिए, वोट में तो याद आती है सब लोगों को, और का नाम वैसे तो याद आती नहीं है किसी को, हम तो न देंगे किसी को वोट। तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देगा प्रशासन, कुछ भी कर दे, हम बिल्कुल कर दे, हम लोग डराते नहीं है, हम लोग यहाँ बहुत परेशान रह रहे हैं। अब चक्कर ये है, संजीव राजा जी के पास कम से कम कॉलोनी के लोगों ने 500 चक्कर काट दिए, वो जाते हैं आश्वासन देते हैं कि मैं कॉल कर रहा हूँ कि ठेकेदार को कर दिया गया है। आज तक कुछ बेअब गौतम सभासद हैं जिनकी पत्नी आशा गौतम, उनके पास जाते हैं, वो कभी कहते हैं कि MLA पॉजिटिव, विधायक कोटे से काम होना है तो MLA पॉजिटिव का मतलब नहीं, इलेक्शन हुआ तो सब चक्कर काट रहे हैं, वैसे कोई मतलब ना। संजीव राजा जी बोला कि एक बार आइए आपको स्वागत करते, रोड के चक्कर में वो भी नहीं आते यहाँ पे। और मैं तो आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे बड़े बड़े लोग पैसे खर्च करके पहाड़ों में जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, सबको इनवाइट करिए कि इस गली में आए और पैसे बचाएं। सर कोई तैयारी नहीं होता था यहाँ पे, कोई तैयार, हम तो चक्कर काट सकते हैं, जा सकते हैं, आप मेरे पास आए, मैं आपके पास आया, आपने मुझसे रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, आप अब ये आपको लाइव करना आगे आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मैं तो आप कह सकता हूँ, वो सुना ही नहीं करते। ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी कि आपका करने का कर्तव्य जिसका है वो कर रहा है, बाकी आगे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे साथ एक मैडम और खड़ी है, मैडम कैमरा आते ही पीछे बैकग्राउंड क्यों पड़ रहा है आपको? नहीं रोड से ही परेशान है सब पब्लिक, और क्या है, पानी वानी भरा रहता है। रोड से परेशानी का आखिर क्या रास्ता निकलेगा? रास्ता क्या है, क्या क्या होना चाहिए? ये रोड बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं बनेगी 10 मार्च से पहले बिल्कुल नहीं बनेगी। अरे क्यों नहीं बनेगी, बननी चाहिए, हम वोट ही नहीं देंगे कोई भी गली वाला। अरे न्यू राजेंद्र नगर है भाई। हाँ न्यू राजेंद्र नगर हो चाहे कोई भी हो, यहाँ जब ये दुनिया भर की तो गंदगी हो रही है, बीमार लोग बढ़ रहे हैं, अब ये बताओ कब बनेगा है? योगी जी जो कह देते हैं बनना है मोदी सरकार का। चलिए बहुत बढ़िया बात आपने बहुत अच्छी कही है। हम महिलाओं से बात करेंगे, और हमारे बीच में बुजुर्ग लोग हैं। अम्मा ये बालक नाती है, कौन है तुम्हारा? जी नातनी है, मैं रोज गिरते हैं, और देखिए सड़क कैसी है रही, कितनी परेशानी है। तो रोज काहे को रोज गिरते जो है जो भेज देता हूं सड़क में आग ना लग रही है, सड़क बनवा। अरे मैडम स्कूल तो बंद पड़े, फिर आप फंस गए। अरे तो स्कूल अभी तो बंद हुए हैं, अब ये कह रही हो रोज भेज रही हूं, तुम कह रही हो स्कूल जा रहा है, ट्यूशन तो जाते हैं। रोज गिरती है जो लड़की, नहीं जा रहे, कसम खा रखी है रोज गिरूंगी, रोज गिरती है जो, देखियो क्या कीचड़ है रही है, हम नहीं वोट देंगे भैया। तो जो सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे। इलाज क्या है, सड़क बनवाओ वोट देंगे। पाँच दिन में कैसे सड़क बन जाएगी? हम भरोसा कर रहे हैं, आदमी धोखा कर रहे हैं, हमारे संगठन में धोखा चुका कर रहे हैं आदमी, नेता लोग हैं, काय बात के नेता लोग हैं, धोखा जय गली रह गई है बस, दुनिया के गामने में बनी सड़क, और जो अलीगढ़ बाजार रह के ऐसी सड़क कौन देखी है तुमने? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकनी सड़कें हैं, और तुम कमी निकाल लो सड़क में, इतनी बढ़िया रास्ता है, एक छलांग मार के पार कर जाओ, क्या दिक्कत? नेता लोग नहीं भेज दो ना, हम नहीं किया रहेंगे वो अच्छी सड़क में, हम क्यों रहेंगे यहाँ? नहीं आप जी मैडम क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि सड़क हेमा मालिनी की तरह चिकनी है, लेकिन हमारी सड़क तो राजा मुराद की जैसी खुदखुदरी है, इसमें ना बैठ सकते ना चल सकते ना गाड़ियां चल सकती हैं। अम्मा आप मन, अरे हंस लो, कोई बात बोलो, नहीं, बोलो बोलो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हंसी हंसी जी।
जी सर, मेरा नाम है शर्मिला देवी, मैं यहाँ से बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के आगे देखो कितनी गंदगी रहती है। जी जी। कितनी गंदगी रहती है, यहाँ से गाड़ी उतारते हैं, गाड़ी नाले में जाती है सीधी। अच्छा, ये आपका ही घर है? ये मेरा घर है। तो आपने इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म क्यों बनवा दिया, नीचे बनाना चाहिए था। सर मैं 3 बार पैसे लगा दिए इसमें। अरे क्यों लगा दिया आपने गलती? अच्छा तुम 2 मंजिल में तुम रहोगी तो गाड़ी तो रुकेगी? उससे मतलब नहीं, जब ये सर घर नीचा पड़े आएगा तो पानी भरता था तब ऊंचा कराया मैंने। अब ये बताओ ये मेरे घर के सामने कितनी गंदगी है, सुअर डोलते है इसमें। मैडम सुअरों पे तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरे शहर में घूमना है भाई, मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलोगे आप ये बताओ, भाई यहाँ इंसान रहते हैं जानवर नहीं। अगर योगी जी को या मोदी जी को या संजीव राजा को अगर ऐसी जगह रहे। अच्छा सुअर घूम रहे हैं तो दिक्कत है, और गाय माता घूम रही है तो क्यों नहीं है दिक्कत? ये बताओ गाय माता पूजन में आती है, ठीक है, सुअर सुअर पूजन में आते हैं नहीं आते? अरे तो गाय खेतों में घूम रही है, गाय तो बड़े लोग नाराज हो रहे हैं कि गाय घूमती। इससे मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा काम सड़क बनवा दो और किसी भी बोर्ड ले लो, मुझे खड़े होकर बोर्ड ले लो, मेरा काम होने आना चाहिए यार। मैं गंदगी से बहुत परेशान हूँ, मेरे घर के सामने देखो मेरी दीवार पूरी चटकी, बस सारा पानी इधर जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान हो या दुखी हो, दोनों में से क्लियर करो। मैं दोनों चीजें, दुखी भी है परेशान भी है, परेशान और दुखी है, मतलब ये की है। पीड़ा को हरने के लिए क्या नया रास्ता निकाल रही है 10 फरवरी को? आप नया रास्ता क्या निकाले, मेरी ये काम चालू सड़क। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी आधी आबादी महिला खड़ी हुई है, आप अपनी बात को और भी रखेंगी। पहले कानून मंत्री ने बताया था कि वोट की ताकत हर ताले को खोल सकती है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे बात। जी आवाज आ रही थी इधर से बड़ी सुनील जी, क्या कह रही है? जी हम जे कह रहे हैं वोट ले रहे कोई आगे, हम वोट तो देंगे ना, चप्पल जूतन की माला बना के रखेंगे, वोट हारेंगे। क्या क्या कह दिया? हम वोट नहीं देंगे, जो तक हमारा रोड बनवा दें जिसी को वोट देंगे। अरे कौन आ रहा है वोट, सब तो मांगने आ रहे हैं। रजिया खान आ रही है, मोहतरमा जमीन जफर आलम साहब आ रहे हैं। वोट नहीं डाल रहे किसी का, बस हमने तो चप्पल जूतन की माला बना के रख ली है, वोट आ रहेंगे। तो कहाँ रहती है मैडम? हम यहीं रहते हैं, ये सब। अच्छा ढोलक वाला कम बुला, इधर आ रहा है तबड़ी वाले, इधर हमारे पीछ में एक बहुत बढ़िया सज्जन है और हमारा, और देखिए वो महिलाओं का जो सिस्टम है वो बड़ी दुखी हो जाती है, तो ढोलक वाले से ढोलक बजवाती है और अपना मनोरंजन करती है, क्योंकि अंदरूनी काफी दुखी है वो। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए दीवानों में, जवानी के सितारे हो जावा ओ मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए नजर चाहिए। आपका हम सफर आ गया, आपने बुलाया एक नया हम सफर चाहिए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ 10 मार्च को एक नया हम सफर मिलने वाला है आपको? हम किसी को हम सफर नहीं बनाएंगे, अगर हमारे गली नहीं, अरे मात्र बात को वोट नहीं देंगे, मात्र 5 साल के लिए बनाना है, 5 साल नहीं 5 मिनट के लिए नहीं बनाएंगे, हमारे वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम 2 साल हो गए हमें परेशान होते होते, तो वोट भी और वोट साल वोट नहीं दे रहे हम, हमारी रोड नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं डाल रहे। तो क्या मुझे जिलाधिकारी महोदय से आपके बारे में बतानी होगी बात? बता दो छो भैया, वोट नहीं डालेंगे, हमारी गली कोई भी नहीं डालेगी, बस। और चप्पल जितनी टूटी हो वो सब खट्टी कर लो, माला बना बना के रखो, सही। मैंने तो अपनी छत पर खून जमा करना है, माला पोवे के लग्गा लगाऊंगी आज तक, वोट लगे अरे मैंने माला डाली। लगता है आप बड़ी क्रांतिकारी महिला मालूम पड़ती है। हाँ जहाँ बच्चा आटा ले लेके आवे वो गिरे नाली में, आटा बिगड़ जाता है हमारा नाली में। तो साथियों ये हम थे न्यू राजेंद्र नगर में, और बात खत्म होने से पहले एक नए वृद्ध बुजुर्ग भी हमारे बीच में हैं, हम बात करेंगे। जी चाचा क्या कह रहे हो? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के हम अपने जो मुख्यमंत्री योगी साहब के लिए हम सूचना के साथ पूरी गली के हम सभी गरीब और छोटे वर्ग के आदमी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पूरी 5 साल से सबको आश्वासन देते देते और अभी तक यहाँ पर न कोई टूटी हुई सड़कें और न नाली बनी है, और हम जाते जाते हमारी महिलाएं सब पब्लिक पूरी गर्मियों में जाते जाते परेशान होकर के थक गए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे करके हमको गुमराह कर दिया। लेकिन कहते हैं कि गरीबों को साथी लगा भाइयों, वरना ये लाल गैरों के कर जाएंगे, टूट जाए ना माला प्रेम की वरना ये मोती बिखर जाएंगे। वाह क्या बात है, टूट जाए ना माला
ये प्रेम की मोती बिखर जाएंगे, इसका मतलब मतदाता से है, इससे आप नाराज होकर कहीं और वोट डाल लें। नाराज होकर के कहीं ना कहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे, कौन से दरवाजे पे? नीले आसमान के नीचे जाएंगे या लाल कलर की ओर? जो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, या तिरंगे की ओर जाएंगे? हाँ। जाएंगे बता दीजिए। और जाने को जो ये है कि जो हमसे मिलेगा और हमारी ये दुख दर्द को दूर करेगा, हम उसके साथ हैं। तो साथियों, मैं हूँ न्यू राजेंद्र नगर में और महिलाएं पीछे खड़ी हुई हैं। स्पष्ट विरोध देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक हमारे बड़े भाई संजीव राजा जी का पूरे तरीके से विरोध है और महिलाएं उनको अगली बार इस बार 10 मार्च को सबक सिखाने की पूरी तैयारी में है। मैं हूँ आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। इसी उम्मीद और आशा के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।